रेडी हो गए तो जी, वंदना हो चुकी है स्कूल के लिए रेडी। पी हो गए जूते, अरे काले से भी है, काले से भी है पीछे को ऑफर ला थोड़े से। आप अच्छी लग रही ड्रेस है ना, तो आज वंदना का स्कूल में ड्रेस में फर्स्ट दिन है तो रेडी होगी बिल्कुल कंप्लीट यूनिफॉर्म है ना, टाई बेल्ट टाई कार्ड सब ड्रेस। एक रह गई, एक काज ही लेकर आप गए तो डैडी यानी कल को तो पक्का ही फ्रॉक स्कर्ट, ठीक है स्कर्ट वाली ला कर दोगे वो वाली। अरे मैं स्कूल स्कर्ट लेंगी, स्कर्ट ले होगी रे, उसके नीचे आप पहनने जा रहे हैं पैंट, अब वो पीछे बंद जा रहे हैं। अच्छा जब अच्छे आ रहे वो वाली ले होगी, वो तो वो डांगरी डांगरी ले होगी। ऐ चल दिए रेडी होके प्यू को छोड़ने के लिए, खेत वालों की तो खेत जैसी हालत, इन्हें खेत में जाना है तो छोड़ के जाओगे। देखो जी मेरा काम कैसे फैला दिया, और गोरी देखो तेल की शीशी को लेकर। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और जी वंदना आ चुकी है स्कूल से, तो ड्रेस चेंज कर दिया है और खाना भी नहीं खाया है, और अब मुझे इस कराना है इसका होमवर्क। तो ये खाना जब खाओगी, जब इसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, खाना खाओगे भूख लगी आज, अपने पराठे फिनिश कर दे दो। तो जी और बाहर आ गया है बहुत तेज तूफान, और गोरी देख के मार रही है किलकी, और कपड़े उतारने हैं मुझे सबसे पहले क्योंकि बहुत तेज हवा आ गई है, और फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे हवा में गिर के। तो हवा में ना कपड़े थोड़े से तो नीचे गिर गए हैं, और सबसे पहले उनको उठाने चलते हैं। और दोपहर के बज चुका है एक, तो अभी व्लॉग शुरू किया है आज सुबह से, क्योंकि जो है हालत ठीक नहीं है अभी, थोड़ा बहुत ही आराम है लेकिन इतना नहीं है। तो आज तो कल दो दिन से तो ज़्यादा ही मूड खराब हो रहा था, लेकिन आज तो ठीक सा है, क्योंकि कमर में इतना ज़्यादा पेन है कि खड़े भी होने की हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। और वो है बस काम तो करना ही पड़ेगा, खाना पीना हुआ, और बच्चे है छोटे, तो छोटे बच्चों का ध्यान पंखे के सामने खड़े हो जाओ करो करके पसीने सुखा लो। तो जी चलो अब वंदना के डैडी भी आने वाले हैं खेत में, तब तक वंदना को करवा देते हैं होमवर्क और खाना दे देते हैं। तो जी यहाँ पे जो है बहुत तेज हवा आ गई थी, और यहाँ पे जो है हम मैंने सोचा कपड़े उतार लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज हवा चल रही थी और कपड़े उतारने जरूरी थे, तो नीचे गिरते ही ना गंदे हो जाते हैं, थोड़ी मोटी तो धूल मिट्टी जो है लग जाती है। वैसे तो मैंने यहाँ पे वॉश किया था, और ये देखो हमारे फूल, और देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, और बारिश का मौसम तो फुल बना हुआ है, बारिश होगी ये पता नहीं। और ये है हमारा बिस्तरा, तो गोरी सुसु कर देती है, तो इसको एक दो दिन छोड़ के तो रोज़ ही धुलना पड़ता है, क्योंकि फिर ना बाथरूम की बदबू आती है बच्चों के कपड़ों में से, और फिर लेटा भी नहीं जाता है, तो इस वजह से मैं रोज़ ही धुल देती हूँ, कभी कभी तो रोज़ ही धुल जाते हैं। तो ये फटाफट से उतार देते हैं कपड़े, तो बाकी भी कपड़े रख के आ चुकी हूँ, और ये चादर रह गई थी। कपड़े उतारने के बाद मैं साथ साथ लग गई हूँ मैं तय बनाने के लिए, तो मैंने भारी पंखा लगा लिया था कमरे में से निकाल के, और दोनों बच्चों को बिठा लिया था अपने पास में ही, और फटाफट से तय बना लेते हैं। उसके बाद में जाना है पशुओं को चारा करने के लिए, क्योंकि उसके बाद में भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो चलो कपड़े उतार के और तय बना के इनको रख देते हैं बेड में, तब हम जो है अपना बिछ कपड़े रखते हैं बेड के सिराने में, वो मैंने आपको दिखाया भी था एक ब्लॉग में। तो जी हमारे थोड़े से ही कपड़े होते हैं डेली यूज के, तो दो तीन जोड़े मेरे, पाँच छः जोड़े बच्चों के, दोनों के तीन चार चार, और वंदना के डैडी के, तो इतने कपड़े हैं डेली यूज के। और न्यू कपड़े शेप में अंदर शिफ्ट करके रखते हैं हम, क्योंकि बाहर जो निकाल के रखते हैं तो धूल मिट्टी वगैरह नए कपड़ों में जो है बढ़ जाती है। और यहाँ पे प्यू कर रही है अपना होमवर्क,
तो जो कपड़ों की तय बनाने के बाद में शाम के टाइम बनाने थे मुझे आम, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी आम छीलने के लिए। तो सबसे पहले छील लेते हैं आम। तो आम है कच्चे लेकिन है बिल्कुल मोटे मोटे, लेकिन ये अभी पके नहीं हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं खट्टी मीठी सब्ज़ी खाए हुए, तो मैंने सोचा आज आम की खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा चटपटा सा तीखा सा खाने का बना है खट्टा मीठा, तो इसलिए आज बनाएंगे आम। तो जी आम की सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है वंदना के डैडी को, और जो है हमारी माँ सासू माँ तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है आम की सब्ज़ी, और वंदना के डैडी को भी, तो बिल्कुल चा के खाते हैं। तो ज़्यादा लिक्विड नहीं, ठीक से बनाऊँगी। तो पतली वाली सब्ज़ी जो है हमें बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो हम मीडियम सी बनाते हैं तरी वाली हल्की सी। तो यहाँ पर जो है हमारे आम छिल चुके हैं और अब कर लेते हैं इनकी कटिंग। तो इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे क्योंकि ये है ज़्यादा मोटे वाले आम। तो इनकी आज गुठलियाँ भी बनाएंगे क्योंकि गुठलियाँ चूसने में ना खट्टी मीठी लगती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसलिए आज गुठलियों वाले आम की सब्ज़ी बनाई जाएगी। तो जो है आम की सब्ज़ी जो छौंकी जाती है वो मेथी में बनाई जाती है, और मैं इसमें डाल दूंगी रिफाइंड क्योंकि सरसों का जो तेल है हमारा ख़त्म हो चुका है। तो सरसों को निकलवाने का अभी टाइम नहीं लग रहा है वंदना की डायरी का, तो निकलवाएंगे एक आधे में। तो ये मैंने अभी मंगा के रखी थी कल लिफाफे में जो है मेथी, तो इसको रिताना है मुझे किसी डब्बे में। तो सबसे पहले डाल देते हैं कुकर में रिफाइंड और उसके बाद में डालेंगे मेथी दाना। तो ये ले लिया है मेथी दाना, तो मेथी है हमारी बिल्कुल क्लीन साफ। तो ये डाल दिया मैंने एक चम्मच भर के मेथी, और तब तक हमारा जो है छौंक अच्छे से तैयार होगा, तब तक ले लेते हैं बाकी के मसाले। तो जी मैंने यहाँ पे ले लिया हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और इन तीनों चारों चीज़ों के डाल के ही बनाई जाएगी आम की सब्ज़ी। तो इधर जो है हमारा छौंक भी रेडी हो चुका है, और अब इसमें डाल देते हैं हम मसाले। भूनेंगे सबसे पहले मीडियम आंच में, तो मैंने जो है गैस का फ्लेम कर लिया है लो, और अब जो है मसाले डाल देंगे इसमें सबसे पहले, क्योंकि जो है हमारा मेथी दाना अच्छे से पक चुका है, और अब इसमें डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ पर मैं गुड़ भी लेके आ चुकी हूँ, तो जो जो सामग्री मुझे चाहिए थी आम की सब्ज़ी छौंकने में तो वो मैंने अपने पास रख ली है, और अब मैंने इसमें डाल दिया है। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, और अब इसमें डाल देते हैं कच्चे आम, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें कर देते हैं थोड़ा सा पानी है, ताकि जो है हमारे आम की सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे और अच्छी लगे। सब्ज़ी छुपे हो चुकी है तैयार, और अब इसमें डाल देते हैं गुड़। तो गुड़ को फोड़ के डालना है ताकि जो हमारी सब्ज़ी है अच्छे से बन जाएगी खट्टी मीठी, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ, और अब लगा देते हैं ढक्कन गुड़ डाल कर।